कमाल। वैसे सेफ्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? दर्शक करते इसके साथ कमाल। पीपी से याद आया, आपके पापा जी कैसे हैं? जिनके सर पे चोट लगी है। कैसे? बाइक लेके बाजार गए थे और बाइक से गिर गए। कमाल। पिताजी हेलमेट नहीं पहनते क्या? नहीं साहब। इसलिए हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए पहने, ताकि पुलिस वालों से बचने के लिए। चलिए चौबे जी आइए। हेलमेट पहने तब लेबर समझ रहे का? कभी आओ थाने पे, पुलिस वाले सुनी तक करते नहीं, करवाते हैं। रुकिए चौबे जी, ध्यान रखिएगा, आप कभी भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे एंट्री लेते हैं तो अपना आईडी कार्ड दिखाना जरूरी है, और साथ ही साथ रजिस्टर में एंट्री करवाना जरूरी है। जी साहब। ताकि पता चले, किसी भी आपातकालीन स्थिति में पता चल सके कि कितने लोग बिल्डिंग के अंदर आए हैं। आगे से ध्यान रखिएगा, थाने में आपको भी टाइम से हाजिरी लगवाना। जी साहब। समझे कि नहीं? जी साहब। साहब जी, तो हेलमेट बदला बड़ी कमाल का है। बुलाओ। अबे छोटी सी, अबे निकल जा। हम तो के गला बंद कर देता। थोड़ो थोड़ो तो चल तेरे साथ ला, चल। हाँ भाई, क्यों बना है? हम लोगों सेफ्टी ऑफिसर बोला है, साइट में घुसने के पहले पीपी यूज करना है। अबे शक्तिमान, सेफ्टी ऑफिसर ने कहा तूने पहन लिया, इसको पता है कब पहनते हैं? आवाज जब भी 75 डेसिबल से ज्यादा हो या कोई साउंड आपको इरिटेट करता हो तब इसको पहनना होता है, और इसको पहनने के बाद साउंड नहीं आती है। और जब इसको आप पहनते हो, पहनने से पहले अपने साथियों को बताना है कि तुम्हारे दोनों छेद बंद हो चुके हैं कान के। जी सर। समझे कि नहीं? जी सर। चौबे जी, जी साहब, हेडफोन नहीं है, एयर प्लग कहते हैं। जी साहब। जी साहब। समझे कि नहीं? जी साहब। आगे से ध्यान रखिएगा। जी साहब। बीमा का आखिरी प्रीमियम भरवा दिया? नहीं साहब जी। उतार लीजिए पूरा क्लेम, भाभी जो को हम पहुंचा देंगे। समझ गया साहब जी। चलिए चौबे जी भैया। हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस बुला लिया आईडी से नहीं? अबे बारात पे जा रहा है क्या? अबे रुक जा। अबे कहाँ जा रहा है? काम पे जा रहा है। जूता सही से पहन, जूता का पैर फिसाना है, उसके बाद इस जूता का स्टेशन से बात है। समझे कि नहीं समझे? जा यहाँ से। वाह चौबे जी कमाल है, तरक्की कर रहे थे आप तो। जी साहब। सुरक्षा के बारे में काफी ज्ञान हो गया। जी साहब जी। इस बार साहब से आपके बारे में बात करेंगे। जी साहब। जिला का कमिश्नर आप ही बनोगे। ओ हीरो इधर आ। जी साहब। कहाँ जा रहा? काम करने। शादी हुई तुम्हारी? नहीं। बेल्ट ऐसे पहनी तो फूट जाएगी। हम सिखाते बेल्ट कैसे पहनना। घूमो, जब भी बेल्ट पहने तो ध्यान रखें ये जो क्रॉस है ये हाथों में आना चाहिए, ताकि आप कभी भी आपत्तिजनक स्थिति में गिरे तो आसानी से बैठ सके। उसके बाद ये जो थाई स्ट्रिप है ये ज्यादा लूज नहीं और ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा टाइट हुआ तो पैर उठाने में दिक्कत होगी, और ज्यादा लूज हुआ तो बेटा शादी ऐसे भी नहीं हो पाएगी। चलो निकलो।
और बताइए चौपड़ी जी, सब घर में सब ठीक ठाक? फोन चिट्ठी कुछ अगर कुछ सब ठीक है? हमारे चौबे जी को भी काफ़ी ज्ञान हो गया है सेट्टी के बारे में। हम लोग उम्मीद करते हैं मुंडी से याद है हर बार आग लगा देती साहब जी, बुझा दे क्या आग? कमाल करते हैं चौबे जी, खाली फायर एक्सटिंग्विशर से आप आग बुझाइएगा। ध्यान रखिए, जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें तो उसकी प्रेशर की घड़ी चेक करनी है, और जो उसका कांटा है हरियाली में हो, हरियाली मीन्स ग्रीन, ग्रीन पे हो, और तभी इसको इस्तेमाल करना। और अगर कभी ज़्यादा आग लग जाए तो असेंबली पॉइंट में पहुँच के इकट्ठा होना है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि कितने लोग हमारे भाई लोग जो काम कर रहे हैं वो है सुरक्षित या नहीं है। और आग लगने के बाद बस पकड़ के घर में जाइएगा मेरे साथ, समझे कि नहीं? हमारा यही संदेश था आप लोगों को सुरक्षा के बारे में, और पीपीई को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हमारे साथ जो भी सामग्री है, इक्विपमेंट यंत्र जो भी है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बार मेरे साथ सब जोर से बोलेंगे साथ मिला के कि हम लोग आज जो नेशनल सेफ्टी वीक जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ सबको एक साथ एक लाइन में जय सुरक्षा बोलना। तो मैं बोलूँगा, मेरे साथ सब बोलेंगे जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। थैंक यू।